हेलो फ्रेंड, चित्रा फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी प्याज पराठा, जिसके लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, गोभी लिए हैं और प्याज लिए हैं। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 लोगों के लिए पराठे तैयार करूँगी। एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे, गोभी को हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे, आलू को भी हम कद्दूकस कर लेंगे, गोभी को हम एक छोटा चम्मच में फ्राई कर लेंगे और आधा पका लेंगे। इससे गोभी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे पराठे फटेंगे भी नहीं। एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चुटकी हींग, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। कद्दूकस किया हुआ आलू भी हम मिक्स कर देंगे। हम फिलिंग का ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, गरम फिलिंग नहीं भरेंगे, पराठे फट जाएंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी, काटा हुआ प्याज और हरा धनिया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। हम नॉर्मल साइज की आटे की लोई ले लेंगे। एक चम्मच भर के फिलिंग भरेंगे और धीरे धीरे इसको आपस में बांध देंगे। हम उंगलियों की मदद से इसे फैला लेंगे। हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे फूले फूले आलू गोभी और प्याज के पराठे बनकर तैयार हैं। आप घर में इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।